एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज अभी दोपहर यानी करीब 11:30 हो रहा होगा टाइम, तो मैं इस टाइम मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा करते हैं। और अभी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर, तो दाल धुल रही हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी, बस ऐसा ही सिंपल सा ही खाना बनेगा। होटल ही यही ज़्यादा बनाती हूँ और यही खाना मुझे पसंद भी है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में बात करूंगी, क्योंकि जो अभी का काम होता है ना मेरा, थोड़ा सा बिजी का रहता है, तो दाल और सब्जी से मेरी बन जाती है तो थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ। तो अभी आप लोगों से थोड़ी देर में बात करूंगी मैं, और अभी आप तब तक म्यूजिक के साथ वीडियो को इंजॉय करिए। ये देखिए, मैं ग्वारफली काट रही थी, और मतलब इसको तोड़ के, क्योंकि इसको तोड़ने में और टाइम लगता है, जो इसके किनारे जो इसके रेसे होते हैं उसको मैं निकाल देती हूँ, और अगर नहीं निकालो तो सब्ज़ी जब बनाओ तो वो दांतों में फंसती है आके, तो इसलिए मैं तो इस तरह निकालती हूँ। आप लोग निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं ज़रूर बताइएगा। तो बस बच्चे भी यहीं पर साथ में बैठ जाते हैं जब, क्योंकि मेरे बच्चे ना मेरे साथ ही लगे भी रहते हैं, और कहीं जाते भी नहीं हैं, कोई बच्चे हैं नहीं इनके साथ खेलने के लिए बराबर के, कि बच्चों के साथ जाके खेलें, तो मेरे साथ ही रहते हैं। मैं कहीं भी जाऊँ, ऊपर नीचे काम करूँ, चाहे जहाँ भी रहती हूँ, तो वहाँ पर बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। और कभी कभी लगता है कि बच्चों को व्लॉग में लाने से कहीं कोई प्रॉब्लम तो ना हो, पर डर भी लगा रहता है। पर अब व्लॉग है, अगर व्लॉग में शेयर करूँगी तो मेरे बच्चे उसमें आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर ये सूजी भुंजी हुई भूंज ली थी, तो वो रखी हुई थी, तो मैंने उसको डब्बे में भर दे रही हूँ। इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी, इसी में सूजी भुंजी थी तो मैंने। अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ, दोपहर क्या 11:30 हो रहा है, और मैं दोपहर का खाना बनाने जा रही हूँ। तो ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, दाल चढ़ा दी थी आप लोगों ने अभी देखी थी, और जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने। सब्ज़ी मैं इसकी बनाऊँगी, सो क्या बोलते हैं, ग्वारफली बोलती हूँ मैं तो, ग्वारफली आलू की, आलू डाल के। तो आलू ज़्यादा डाल रही हूँ, हो जाएगी तो तेल हो रहा है अभी, तेल अभी मैंने डाल दिया इसमें, तो तेल पक रहा है, हो जाएगा तो सब्जी छोंकती हूँ। चलिए आप पैक करने से देखिए बाकी वीडियो। और दाल चावल सब्जी रोटी यही बनेगा खाने में, तो चलिए देखते हैं।
तो मेरा खाना भी रेडी हो गया है, मैंने सलाद भी काट लिया है और तो अब मैं जा रही हूँ। करीब बज रहा है एक, तो एक बजे ही लंच होता है, तो खाना खाते हैं हम लोग ज़्यादातर से, थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम इधर उधर हो जाता है। और खाना निकाल देती हूँ सब लोगों को, तो गर्मा गर्म खाना है रेडी। और आ जाइए आप लोगों को भी खाना है तो आ जाइएगा गर्मा गर्म खाना। बच गए हैं अभी, तो ये देखो चाय चढ़ा दी है। गर्म हो गया और ये अभी मैंने चढ़ाया है मटर उबलने के लिए, तो फुल्की रखी हुई है वही खाएंगे, तो इसीलिए मटर उबलने के लिए रख दिए मैंने। फैन चालू कर देती हूँ, बहुत गर्मी हो रही, लाइट चली गई है, लाइट नहीं है। और कपड़े रख, तो फुल सिलाकर मैं बनाने जा रही हूँ फुल्की का जो पानी है, जलजीरा बनाऊँगी। तो जलजीरा का ये पैकेट है, तो इससे बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से जल्दी ही बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, करीब 2 कप पानी लिया है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है फुल्कियाँ, जितनी फुल्की है तो उतना ही मैं बनाऊँगी, ज़्यादा पानी नहीं ले रही हूँ। और बस इसमें मैं यहाँ पर करीब 2 चम्मच मैं जलजीरा पाउडर डालूँगी, और इसके बाद फिर मैंने इमली को भिगो रखा था, तो और वो भी मैं भूल गई थी, तो बस तुरंत ही मैंने भिगोया है और गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। तो ये देखिए इमली भीग गई है, फूल गई क्योंकि गर्म पानी में डाला था, तो जल्दी से ही फूल भी गई है। और पुदीना डालूंगी इसमें, और जलजीरे में नमक रहता है ऑलरेडी, अगर थोड़ा सा अगर आप लोगों को कम लगे तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। और बूंदी, मेरे पास रायते वाली बूंदी जो होती है वो रखी है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहते तो अवॉइड कर दो, मत डालो, बट अच्छा लगता है, उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो बस मैंने वही यही सब डाला है और कुछ नहीं। मटर रखी थी तो उसको नमक डाल के मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है बस। तो हमारा हो जाएगा पानी पूरी एकदम बढ़िया से तैयार रेडी। और ये पुदीना है, तो मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं है, तो अगर फ्रेश पुदीना होता तो मैं इमली के साथ और मिक्सी ग्राइंडर में से थोड़ा सा कर देती, तो बहुत और अच्छा टेस्ट आता, लेकिन ये सूखा हुआ है पुदीना, तो इससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना उससे बहुत अच्छा आता है टेस्ट और स्वाद भी आता है। तो बस ये देखिए बूंदी जो रखी है, तो थोड़ी सी ही डालूँगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बहुत ज़्यादा। Thank you.
बहुत गंदा हो रहा था क्योंकि हवा भी चलती है और थोड़ा सा पापा ने खाद बनाने के लिए पत्तियाँ वगैरह इकट्ठा कर रखी, तो जो थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो वो पूरी छत पे फैल जाती है और धूल मिट्टी भी हो रही है। तो मैंने कहा कपड़े बच्चे गंदे कर लेते हैं क्योंकि बच्चों का क्या है खेलना है, तो पूरा वो नहीं दिखते हैं कि बेड है कि कमरा है, वो ज़मीन वो छत गंदी है या नहीं है, वो सब जगह बस खेल लेते हैं। नफ़िया तो बड़ी है लेकिन अनाया वो छोटी है तो अभी उसको समझ नहीं है, तो वो हर जगह लूट जाती है, कहीं भी कुछ भी खेलने लगती है। वो कुछ नीचे गिर भी जाता है तो भी वो बहुत मना करो तो देख ना देखो तो वो उठा के खा भी लेती है, तो उसलिए उसको थोड़ा सा अभी मैं डेली आने लगी हूँ तो मैंने कहा धुल देती हूँ और एक का दिन छोड़ के डेली धुल दिया करूँगी, क्योंकि अभी मैं आने लगी हूँ वरना पहले नहीं आ रही थी, मैं छत पर आती नहीं थी और अभी कोई भी नहीं है, बच्चे उग रहे हैं तो छत पर आती हूँ, मेरे साथ ही आऊँगी तो ही बच्चे आएंगे वरना नहीं आएंगे, तो फिर थोड़ा सा बच्चे बाहर खेलें इसलिए मैं भी थोड़ा सा छत पर पहुँच जाती हूँ वरना नहीं जा पाती हूँ। तो अपने लिए नहीं बच्चों के लिए छत पर जाना मेरे लिए ज़रूरी हो गया है, तो आगे आप लोग को उसी की धुलाई कर रही हूँ, तो चलिए आप लोग देखिए वीडियो और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आप लोगों को क्लीनिंग की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आगे आप लोगों के साथ ज़रूर क्लीनिंग की वीडियो शेयर करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर।